गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए बच्चे फिर अपने क्लास को आगे बढ़ाते हुए क्लास 7 मैथ आज हम प्रश्नावली 7.3 पढ़ेंगे। कल भी हम 7.3 इससे पिछले वीडियो में भी हम 7.3 के बारे में जाने थे और आज भी वहाँ कुछ सवाल जो छूट गए थे आज हम उनके बारे में जानेंगे। तो कल हमने आपको बताया था यानी दो संख्याओं के वर्गों के अंतर पर आधारित सवाल थे जो आपका था उसमें फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी इस पर आधारित हमने सवाल को सॉल्व किया था। और आज का जो टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे गुणनखंड के बारे में यानी किसी भी संख्या को मान लीजिए क्या उभयनिष्ठ है गुणनखंड उसी को कहेंगे उभयनिष्ठ यानी जो भी आपका दोनों में हो दोनों पक्ष में दिया जाएगा या जो कुछ भी आपका कोई मान लीजिए लिखा गया है समीकरण उसमें क्या कॉमन है उसी चीज को हम कहते हैं उभयनिष्ठ। जो चीज सब में होता है यानी जो कॉमन होता है उसी को उभयनिष्ठ कहा जाता है। चलिए हम देखते हैं तीसरा नंबर सवाल आपका जो है तो उसमें आपसे कहा गया है निम्नलिखित व्यंजकों का गुणनखंड कीजिए जिसके प्रत्येक पद में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। यानी क्या करना है देखिए पहला सवाल जो लिखा गया है ए नंबर वह हमारा है 7x-7y। अगर देखिए हमारा एक लिखा गया है एक व्यंजक इसका हमें क्या बताना है मतलब इसका हमें गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने का मतलब हम क्या करेंगे इसमें क्या चीज उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब यह होता है कि अब जो व्यंजक आपका लिखा गया है इन दोनों में क्या चीज ऐसा है जो दोनों में कॉमन है। तो यहाँ देखिए अगर हम देखते हैं यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे भी 7 है तो 7 कह सकते हैं हमारा क्या है उभयनिष्ठ है या कॉमन है। लेकिन हम यहाँ एक्स को देखते हैं इस साइड में देखते हैं व्यंजक में एक्स है और इसमें क्या है वाई है यानी यक्ष तो नहीं है और ना इसमें वाई है यानी आपका आप कह सकते हैं कि ना यक्ष कॉमन होगा और ना ही वाई बल्कि दोनों में क्या कॉमन है वाई है यानी वाई सॉरी 7 उभयनिष्ठ है। तो यहाँ क्या कॉमन करेंगे तो क्या करेंगे तो यहाँ पे हम 7 उभयनिष्ठ है तो इसको क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे और यहाँ अगर हम 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ इस बार कोष्टक लगाएंगे और क्या बच रहा है इसको इस कोष्टक के अंदर यहाँ से अगर हम 7 निकालते हैं तो हमारा क्या बच गया एक्स या माइनस है तो माइनस माइनस में मतलब साइन में कोई भी चेंजिंग आप नहीं करेंगे और यहाँ 7 निकालने के बाद क्या बचेगा यही इस सवाल का क्या होगा गुणनखंड हो गया। अगर आपसे पूछा जाए क्या इसमें उभयनिष्ठ है तो आप क्या बताएंगे 7 कहेंगे कि इसमें उभयनिष्ठ है। अब चलिए देखते हैं इसी प्रकार आपका बी नंबर सवाल है वह है क्या ए सी माइनस बी सी प्लस सी। अब देखिए बच्चा हमें क्या करना है जो हमारा व्यंजक लिखा गया है ए सी माइनस बी सी प्लस सी अब इसमें हमको इसमें इसका क्या करना है गुणनखंड करना है और बताना है कि इसमें उभयनिष्ठ क्या है। तो देखिए अगर हम व्यंजक को ध्यान से देखते हैं तो हमारा ए सी है यहाँ बी सी है यहाँ सी है तो यहाँ देखिए अगर यहाँ ए है लेकिन ये इसमें नहीं है तो यहाँ यह चीज आपका कॉमन नहीं। यहाँ देखिए बी है तो यहाँ बी इसमें नहीं है ये अभी आपका उभयनिष्ठ नहीं है। लेकिन अगर यहाँ देखिए सी इसमें भी है पहले व्यंजक में यहाँ दूसरे पद में भी है और यहाँ तीसरे पद में है यानी यह जो हमारा व्यंजक लिखा गया है कितने पद का है 3 पद का है। तो इन तीनों पदों में हमारा क्या कॉमन है सी कॉमन है। देखिए पहले पद में भी सी है और दूसरे पद में भी सी है और तीसरे पद में भी सी है तो यहाँ से बच्चे हम कह सकते हैं कि सी हमारा क्या है तीनों पदों में उभयनिष्ठ है यानी इस व्यंजक में हमारा सी उभयनिष्ठ है। और बच्चे इसको हम सी यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ हमारा क्या बचेगा यहाँ ए बचेगा और यहाँ माइनस क्या हो जाएगा बी और यहाँ हमारा क्या बचेगा सी यानी जब हम कॉमन करेंगे तो हमको इस बात का ध्यान रखना है कि चिन्ह में यानी जो हमारा साइन रहेगा उसमें हम किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजिंग नहीं करेंगे। तो यह आपके हो गया तीसरे के बी नंबर सवाल का। अब आते हैं सी नंबर यानी सी नंबर जो सवाल है तो सी नंबर देखिए क्या है तो सी नंबर सवाल हमारा 3x-12 कितना है 3x-12। अब देखिए बच्चों
इसमें क्या चीज है लिस्ट। अब यहाँ देखिएगा यहाँ तीन है तो यहाँ कितना है बारह, और यहाँ क्या है यक्ष है तो यहाँ यक्ष है ही नहीं, तो यानी हमारा यक्ष तो कॉमन होगा नहीं, यानी यक्ष वनिष्ठ नहीं है तो कॉमन क्या होगा तीन। अब तीन को अगर हम फैक्टर के रूप में करते हैं, अगर इसका हम गुणनखंड करते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं तीन गुणे एक, लेकिन हम बारह को अगर लिखे तो क्या कर सकते हैं तीन गुणे चार। तो यहाँ देखिए तीन दोनों में क्या है कॉमन, तो अगर तीन कॉमन तो अगर हम क्या पाँच में अगर तीन कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा एक बचेगा और यहाँ क्या बचेगा सॉरी यहाँ एक एक, तो एक से एक लिखा नहीं जाता। हमने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि कहने की मान लीजिए अगर आपको एक एक बचेगा तो एक एक से आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि एक लिखा नहीं जाता है। अगर एक से अधिक कोई संख्या है दो एक से तीन एक से चार एक से या पाँच एक से चार जितना हो तो आप उसको वहाँ पर उस संख्या को लिख के उसको प्रदर्शित करेंगे, अगर एक है तो आपको वहाँ एक लिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ से देखिए अगर हम तीन कॉमन लेंगे तो हमारा यहाँ क्या बचेगा एक से बचेगा, और यहाँ से देखिए तीन कॉमन होंगे तो क्या बचेगा चार। तो यह हो गया आपके इस तीसरे प्रश्न का। अब देखिए फोर्थ नंबर सवाल यानी डी नंबर कह सकते हैं, तीसरे का डी नंबर सवाल है जो है आपका ए स्क्वायर प्लस सेवन बी, क्या ए स्क्वायर प्लस सेवन बी। अब देखिए बच्चों अगर यहां से हम देखते हैं तो यहाँ हमारा सेवन है तो यहाँ लिखेंगे सेवन है ही नहीं, यानी कोई भी अंक है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमारा अंक तो कॉमन नहीं होगा। लेकिन आप जानते हैं कि अगर ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए किसी भी संख्या में अगर ए स्क्वायर है यानी घात दो है तो इसका मतलब यह होता है कि इस संख्या का द्विघात क्या होगा गुणा होगा, किसी भी संख्या पे जितना घात होता है उस संख्या का उतना टाइम क्या होता है गुणा होता है। तो यहाँ ए स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा ए गुणे ए हो जाएगा प्लस और सात है तो इसको हम भी मान सकते हैं सात गुणे ए। तो देखिए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है ए कॉमन है, तो हम यहाँ से ए कॉमन करते तो हमारा यहाँ क्या बचेगा ए बचेगा और क्या बचेगा सात, यही हो गया इस प्रश्न के सवाल का आपका। तो इसी तरीके से बच्चों आपको क्या करना है सभी सवाल को आपको सॉल्व करना है। चलिए हम देखते हैं आपको बताते हैं एफ नंबर सवाल, एफ नंबर सवाल आपका बच्चों है 12a³ - 15a² - 7। अब देखिए बच्चों इसका हमें क्या करना है, इसमें हमें ढूंढना है क्या चीज कॉमन है, यानी इन तीनों पदों में या जो हमारा व्यंजक लिखा गया है कितने पदों का एक दो तीन, तीन पद हैं, इन तीनों पदों में क्या चीज उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब हमने आपको बताया कि तीनों में ऐसी क्या है कि जो तीनों में यानी तीनों पदों में है। तो देखिए बच्चों यहाँ 12 है और यहाँ 15 है और यहाँ 7 है, तो इन तीनों संख्याओं में कोई भी संख्या कॉमन नहीं है। अगर इसका हम फैक्टर करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 का फैक्टर 3 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 15 का करते हैं तो 3 गुणे 5 और यहाँ 7 का फैक्टर 7 ही होगा। तो यहाँ देखिए इन तीनों में यानी जो अंक है इनमें कुछ हमारा कॉमन वैलिस्ट नहीं है, तो यहाँ देखिए अंक में तो कुछ कॉमन होगा नहीं। लेकिन अगर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ देखिए ए क्यूब है और यहाँ क्या है ए स्क्वायर और यहाँ क्या है ए, तो तीनों में हमको क्या मिल रहा है ए मिल रहा है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा। अगर तीन यानी ए का पावर क्यूब का मतलब अगर घन है क्यूब है तो इसका मतलब ए का तीन बार गुणा, और यहाँ कितना है दो है तो ए का दो बार गुणा, और यहाँ ए एक बार है तो एक इसका मतलब एक बार गुणा, यानी हम कह सकते हैं कि हमारा तीन में एक ए होगा दो में एक ए होगा और ए में तो है लेकिन ए में ए क्यूब आपका नहीं होगा, इसलिए जो पावर आपका सबसे कम होगा वही चीज आपका क्या होगा कॉमन होगा। तो यहाँ से हमारा कॉमन क्या हो जाएगा उभयनिष्ठ कह सकते हैं क्या ए है, तो हम तीनों में से जो यहाँ से तीनों पदों में से
ए कॉमन करेंगे तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, 12 बचेगा, और यहाँ से ए स्क्वायर यानी ए क्यूब का मतलब क्या होता है, ए का 3 बार गुणा यानी ए गुणे ए, अगर एक ए निकल जाएगा तो हमारा बचेगा क्या, ए गुणे ए यानी ए स्क्वायर बचेगा, माइनस इसमें 15 में तो कुछ कॉमन नहीं है, और ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए का 2 बार गुणा, और जब इसमें से एक ही निकल जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, ए बचेगा, और यहाँ माइनस ए निकल जाएगा तो क्या बचेगा, सीधा ए इसका क्या होगा, अभीष्ट गुणन। बच्चों इस प्रकार से आपका यह प्रश्नावली आपका क्या होगा, समाप्त हुआ। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नावली पे, यानी 7, यानी आपका ये जो अध्याय 7 था यह समाप्त हुआ, आवाज से आपका अध्याय शुरू हो रहा है। चलिए हम इस प्रश्नावली के बाद आपका अगला प्रश्नावली जो है रैखिक समीकरण, क्या है रैखिक समीकरण, इसके बारे में हम आपको सॉल्व करना बताते हैं। तो चलिए बच्चों हम समझते हैं पहले रेखीय समीकरण के बारे में कि रेखीय समीकरण हमारा क्या होता है। तो रेखीय समीकरण का मतलब यह होता है कि कोई भी समीकरण अगर हम लिख रहे हैं तो किस रूप में होना चाहिए, एक रेखा के रूप में होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि आपकी जो रेखा होती है वह तो क्या होती है, एक सीधी लाइन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मान लीजिए अगर आपके पास कोई दो बिंदु है तो उन दोनों बिंदुओं को मिलाने से हमारा क्या बनता है, एक रेखा बनता है। तो रेखा को आप देख रहे हैं, ध्यान से देखते हैं कि रेखा की क्या होती है, सीधी होती है। तो आपको वैसे समीकरण लिखा होना चाहिए जो इस रूप में हो, एक रेखा के रूप में। जैसे मान लीजिए अगर ए एक्स प्लस बी हम लिखते हैं तो यहाँ ऊपर लेके इस पर एक रेखा खींचा जा सकता है, इस पर कोई भी घात नहीं, यानी इस पर घात कितना है, अगर इसी को हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखे तो यहाँ देखिए एक रेखा हम नहीं खींच सकते, मतलब इसको ढिला नहीं करते, खींच नहीं सकते हैं यहाँ देखिए, क्योंकि इसमें दो आपका क्या हो जा रहा है, कट हो जा रहा है। तो यह आप रेखीय समीकरण इसको नहीं कह सकते। तो इससे हमारा निष्कर्ष क्या निकलता है बच्चों कि यदि हम कोई भी समीकरण लिख रहे हैं तो उस पर जो हमारा घात है यानी जो पावर है वह कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। क्यों, अगर किसी भी संख्या पे मान लीजिए आपका घात एक है तो आप जानते हैं कि उसको लिखा नहीं जाता है, उस पर क्या एक माना जाता है। आप जानते हैं किसी भी संख्या पे चार जो संख्या है अगर यहाँ 5 लिखा गया है तो इसका मतलब यह है कि इस संख्या पे घात कितना है, एक है, यह आपको लिखा नहीं जाता। यहाँ मान लीजिए अगर आपका कोई यक्ष पद है तो यहाँ भी आप कहेंगे कि यहाँ यक्ष है तो इस पर एक घात है, तो यहाँ एक घात लगाने की कोई जरूरत नहीं है, एक माना जाता है। तो अगर यहाँ देखिए एक नहीं तो यहाँ एक रेखा ड्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यानी आप रैखिक समीकरण उसे कहेंगे जिसपे आपका घात केवल कितना होगा, एक होगा, यानी एक से अधिक घात आपका नहीं होना चाहिए। अगर एक से अधिक घात आपका हो जाता है यानी 2 हो जाता है या 3 हो जाता है तो आपको उसको दिखाना पड़ता है, नहीं उस पर प्रदर्शित करने लिख के प्रदर्शित करना पड़ेगा। अगर आपसे कोई कहे कि एक्स पावर 2 लिखो या एक्स पे घात 2 लिखो तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ माना नहीं जा सकता, या आप कह दो कि किसी तरह मान ले तो उसको हम मान नहीं सकते, उसको आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा कि इसमें आपका घात कितना है, 2 है। लेकिन यदि आप एक की बात करते हैं तो अगर आप 5 लिख दे या कोई भी संख्या लिख दे, एक लिख दे, तो आप यहाँ एक लिखने की जरूरत कोई नहीं है, यहाँ पे आपका घात जो है एक माना जाएगा। तो इससे हमारा जो निष्कर्ष निकलता है, तो कहने का मतलब यह है हम रैखिक समीकरण उसे कहेंगे जिसपे हमारा घात कितना हो, एक हो, यानी वह समीकरण जिसपे हमारा जो घात होना चाहिए, पावर होना चाहिए, वह एक होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर एक से घात अधिक होगा तो हमको उस पर लिखना पड़ेगा, तो हम जब लिखेंगे तो उस पर हम एक लाइन ड्रा नहीं कर सकते हैं, तो उसको हम रैखिक समीकरण क्या नहीं सकते। तो चलिए बच्चों, तो आप जान गए होंगे कि आपका जो समीकरण होगा रेखीय उस पे हमारा घात जो है एक ही होना चाहिए, एक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो चलिए कुछ यहाँ पे आपके सवाल दिए गए एक तालिका बना करके, उसमें आपसे पूछा गया है कि आप बताइए कि कौन सा जो समीकरण है वह रैखिक समीकरण है और कौन सा आपका रैखिक समीकरण नहीं है। तो पहले हम इसको समझ लेते हैं।
चलिए बच्चों देखते हैं हम कि रेखीय समीकरण कौन सा है। देखिए आप तालिका देख रहे हैं जो आपके बोर्ड पर बना हुआ है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो समीकरण है वह रेखीय समीकरण है और कौन सा रेखीय समीकरण नहीं है। और इसके बाद हम देखेंगे कि इस रेखीय समीकरण को हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए ए नंबर है एक्स माइनस एक बराबर दो। तो यह बताइए आप रेखीय समीकरण है कि नहीं। अगर सही रेखीय समीकरण है जिसमें हमको टिक करना है सही का, अगर नहीं है तो उसको क्या टिक करना है गलत। तो यह आपका रैखिक, इसका आंसर यह है कि आपका रैखिक समीकरण है। क्यों है? क्योंकि हमारा जो अचर पद है, सॉरी चर पद, आप जानते होंगे कि चर पद जो आपका होता है वो ए बी सी यानी जो संख्याएं होती हैं, अक्षर होते हैं ए बी सी डी, वह पदों को क्या कहा जाता है? चर कहा जाता है। और अचर जो होता है अचर पद वह आपका संख्या यानी एक दो तीन चार पांच, जो कुछ भी आपकी संख्याएं होती है उनको क्या कहा जाता है? अचर पद कहा जाता है। और चर पद जो आपके ए बी सी डी वाले अक्षर होते हैं उनको हम चर पद कहते हैं और चर पद नंबर्स को कहा जाता है। तो यहाँ देखिए अगर हमारा चर पद पे घात एक से अधिक होगा तो उसे हम क्या रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। अगर एक घात है तो हम उसे रैखिक समीकरण कहेंगे। अगर हम यहाँ देखिए समीकरण को ध्यान से देखते हैं तो हमारा जो एक्स वाला चर पद है इस पे किसी भी प्रकार का कोई घात नहीं लगा हुआ है, बल्कि यहाँ एक्स में से एक घटाया गया है और उसको बराबर कितना कहा जा रहा है? दो है। कहा जा रहा है कि यदि एक्स में से हम एक घटाते हैं तो कितना बच रहा है? दो। तो यहाँ देखिए इस पे हमारा कोई घात नहीं है, इसलिए आपका रैखिक समीकरण है, इसलिए उसको क्या करेंगे? सही करेंगे। अब दूसरा देखते हैं बी नंबर, यहाँ हमारा थ्री एक्स प्लस वन बराबर कितना है? दो लिखा गया। तो यहाँ देखिए एक्स पे हमारा कोई भी घात नहीं, यानी हमको केवल क्या देखना है? चर पद को देखना है। अगर चर पद पे हमारा घात है तो इसको हम कहेंगे कि वह रेखीय समीकरण, अगर एक से अधिक होगा तो वह रेखीय समीकरण नहीं होगा। अगर घात एक है यानी उसमें कोई किसी भी प्रकार का कोई घात दर्शाया नहीं गया तो हम कहेंगे वह रेखीय समीकरण नहीं होगा। अगर मान लीजिए एक से अधिक होगा, एक दो तीन नंबर लिखा गया होगा उसके ऊपर यानी घात लगाया गया होगा तो हम कहेंगे कि रैखिक समीकरण नहीं। तो यहाँ पे देखिए यह भी आपका रैखिक समीकरण है क्योंकि किसी प्रकार का घात नहीं लगा हुआ है। अस्सी नंबर में देखिए क्या दो एक्स बराबर एक्स प्लस एक है। यहाँ भी देखिए अगर एक्स में यहाँ दाएं पक्ष और दोनों बाएं पक्ष दोनों में एक्स है लेकिन इस पर कोई भी घात नहीं लगा हुआ है तो यह भी हमारा क्या है? रैखिक समीकरण है। यहाँ देखिए डी नंबर को देखते हैं तो तीन एक्स बराबर कितना लिखा गया? बारह लिखा गया। यहाँ देखिए जो चर पद है उसमें हमारा किसी भी प्रकार का कोई घात नहीं है इसलिए हम कहेंगे कि यह भी हमारा क्या है? रैखिक समीकरण है। अगर ई नंबर को देखते हैं तो यहाँ देखिए एक्स बटे दो किया गया है क्या? तो हमको अगर एक्स बटे दो किया जाए या पांच किया जाए या कुछ भी किया जाए इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमको केवल अगर रैखिक समीकरण देखना है तो यह देखना है कि एक्स पे किसी जो घात, हम केवल घात को देखेंगे कि अगर घात हमारा एक है तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक समीकरण कहेंगे। अगर घात एक से अधिक है तो उसे हम रैखिक समीकरण नहीं कहेंगे। यहाँ देखिए एक्स पे हमारा कोई भी घात नहीं इसलिए अभी हमारा क्या रैखिक समीकरण है। लेकिन अगर हम ध्यान से अभी यह वाले को देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एक्स की पावर दो माइनस चार। अब यहाँ देखिए एक्स की पावर कितना लगा हुआ है? दो। तो यह आपका रैखिक समीकरण नहीं है क्योंकि इस पे घात कितना लगा हुआ है। तो इस प्रकार से आपने इस सारणी में देखा कि आपके जो थे ए से एफ तक आपके समीकरण लिखे गए थे इनमें से आपके ए से ई तक जो समीकरण है क्या है? रैखिक समीकरण है ए से ई तक, लेकिन आपका एफ जो है वह रैखिक समीकरण नहीं है। अब देखिए हम देखेंगे इसके बाद एक दूसरे सारणी आपको समझाया गया, इसमें आपको करना है इसका हल, यानी हम इसको हल कैसे करेंगे कि एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे। तो चलिए हम दूसरे वाले सारणी को समझते हैं। तो चलिए बच्चों हम देखते हैं दूसरी सारणी आपकी जो है, इसमें कहा जा रहा है कि देखिए क्रम दिया गया है, सवाल का नंबर जो है ए बी सी और यहाँ आपको समीकरण दिया गया और यहाँ समीकरण का हल दिया गया। तो चलिए बच्चे देखिए आपका क्या दिया, क्रम दिया गया है मतलब सवाल
का पहला ए नंबर क्या है, दूसरा नंबर क्या है, और यहाँ आपको समीकरण लिखा गया है कि ए नंबर का समीकरण क्या है और यहाँ समीकरण का हल। तो हम समीकरण को कैसे हल करेंगे हमको यह सीखना है इस वीडियो में। तो हम देखते हैं ए नंबर सवाल हमारा जो है, यहाँ पे समीकरण हमको दिया गया है वह जो है एक्स माइनस चार बराबर तीन है। तो यहाँ को क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए एक्स का मान हमारा सात कैसे होगा है, तो हमें यहाँ चार चिन्हों का प्रयोग करना। जैसा कि जानते हैं कि गणित में हम होते हैं उन्हीं का प्रयोग करते हैं, एक होता है प्लस और एक होता है माइनस, दूसरा तीसरा होता है गुणा, चौथा होता है भाग। तो हमें इन समीकरणों में इन्हीं का प्रयोग करके इन समी इसको हमको क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए अभी क्या किया गया है कि हम यहाँ सोचना है, दिमाग लगाना कि हम यहाँ इस समीकरण में क्या किया है कि हमारा एक्स का जो मान है वह कितना आया सात। तो यहाँ क्या किया गया है कि हमें दोनों बच्चों में क्या चार जोड़ा गया है। तो देखिए अगर हम यहाँ दोनों बच्चों में चार जोड़ देते हैं, एक्स माइनस चार है, तो अगर यहाँ चार जोड़ते हैं तो प्लस चार बराबर यहाँ तीन और प्लस यहाँ भी चार हो जाएगा, दोनों बच्चों में चार जोड़ा। यहाँ देखिए प्लस चार और यहाँ माइनस चार से क्या हो गया कैंसिल, और चार तीन तीन प्लस चार कितना हो गया बराबर सात हो गया। तो इसमें कहा से आपका आंसर आया था यहाँ पे सात। अब चलिए हम देखते हैं जो दूसरा नंबर सवाल है वह कैसे, मतलब उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए दूसरा नंबर बी नंबर सवाल आपको क्या गया है, एक्स प्लस पांच बराबर आठ है। तो यहाँ एक्स का मान बताना, यानी हम इसको अगर सॉल्व करेंगे हल करेंगे तो इसका हल होगा क्या। तो हमें क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ एक्स प्लस पांच है और यहाँ कितना हमारा एक्स प्लस पांच बराबर आठ है। तो हम क्या करेंगे, इस पांच को हमको क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों बच्चों में हम क्या करेंगे पांच घटा देंगे, यानी जितना आप बाएं पक्ष में पांच घटाएंगे तो हमको दाएं पक्ष में भी क्या करना पड़ेगा, पांच घटाना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में से माइनस पांच, दोनों पक्षों में माइनस पांच या पांच घटाने पे कह सकते हैं। तो जब माइनस पांच घटे तो यहाँ पहला क्या है, एक्स प्लस पांच माइनस पांच। तो चलिए बच्चों अब देखिए हमने क्या किया, अगर दोनों बच्चों में से हमने क्या किया पांच घटा दिए तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए एक्स प्लस पांच बराबर आठ था, तो यहाँ क्या हो गया एक्स प्लस पांच माइनस पांच, और यहाँ बराबर क्या हो जाएगा आठ माइनस पांच। तो यहाँ देखिए बच्चों यहाँ माइनस पांच या प्लस पांच ये दोनों क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स, और यहाँ आठ में से पांच जाएगा तो कितना बचेगा तीन, यानी एक्स का मान कितना आ गया तीन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यह हो गया समीकरण का। अब देखिए इसी प्रकार से आपका जो है सी नंबर सवाल है वह क्या है, दो बराबर एक्स माइनस ए। तो यहाँ हमको समीकरण का हल क्या होगा हमको बताना है। तो अगर बच्चे ध्यान से देखिए यहाँ पे यहाँ को क्या एक्स का मान चाहिए, तो यहाँ कितना लिखा गया एक्स माइनस ए, इधर तो एक्स है नहीं, तो हम ऐसा क्या करें इसमें, मतलब इस समीकरण में कि हमारा यह जो एक्स के साथ जुड़ा हुआ है वह क्या हो जाए गायब हो जाए। तो यहाँ देखिए माइनस एक है, अगर यहाँ प्लस एक करते तो क्या हो जाए माइनस एक, प्लस एक क्या हो जाए कैंसिल हो जाएगा और एक्स का मान आराम से मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस समीकरण के, तो कहेंगे कि यहाँ दोनों पक्षों में एक जोड़ने। तो अगर हम दोनों पक्षों में एक जोड़ते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ बाएं पक्ष में दो प्लस एक और यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस एक, यहाँ भी प्लस एक कर देते हैं, तो यहाँ देखिए माइनस एक और प्लस एक आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, और दो और प्लस एक दो कितना हो गया, यानी एक्स बराबर हमको कितना मिल गया तीन। तो इस समीकरण का हल हमारा हो गया एक्स बराबर तीन, ये आपके इस सवाल का क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए हम देखते हैं डी नंबर सवाल को, यानी आपको इसी प्रकार से सभी प्रश्न को क्या करना है सॉल्व करना है। तो डी नंबर सवाल हमारा क्या है, थ्री एक्स बराबर कितना है छह। अब यहाँ क्या करना है, यहाँ देखिए बच्चे हमारा थ्री एक्स यानी गुणे के रूप में है और यहाँ हमारा केवल सिक्स है,
तो यहाँ से भी हमको क्या करना है, यानी कहने का मतलब यह है कि हमारा एक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है थ्री एक्स, हमें इसको क्या करना है, गायब करना है। तो यहाँ देखिए यहाँ पे न तो जोड़ने से जाएगा और ना ही गुणा कर घटाने से। तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, तीन से क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्षों में भाग देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में तीन से भाग देंगे। क्या करने पर, तीन से भाग देने पर क्या कितना हो जाएगा, तीन एक्स प्लस तीन, सॉरी तीन एक्स भागा तीन बराबर छह बटे तीन। ये आपको ध्यान रखना, जो हम दाएं पक्ष में जितना करेंगे उतना हमको क्या करना है, बाएं पक्ष में भी करना पड़ेगा। यहाँ देखिए अगर बाएं पक्ष में तीन से भाग दिया तो हम दाएं पक्ष में भी तीन से भाग देंगे। तो यहाँ से देखिए तीन से तीन हमारा क्या हो गया, कैसे तो हमारा यहाँ बचेगा कितना है, और जब यहाँ छह में हम तीन से भाग देंगे तो हमारा तीन गुना कितना हो जाता है, छह, तो हमको कितना मिल गया, छत्तीस से निकल का हल कितना हो गया, दो हो गया। अब देखिए हम आते हैं ई वाले से, तो ई नंबर सवाल आपका क्या है, एक्स प्लस एक्स बटे पांच बराबर एक है। अब यहां से भी क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है। तो यहां बताए एक्स में क्या करे, ऐसा क्या करे कि हमारा एक्स जो है क्या हो जाए, गायब हो जाए। इसलिए बच्चों क्या करना है, ना तो हमारा जोड़ने पे जाएगा ना ही हमारा घटाने पे जाएगा। तो अगर यहाँ हम ना भाग देने पे जाएगा तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ से पांच या क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में हमें इस समीकरणों को क्या करना, केवल चार चिन्हों का प्रयोग करके ही सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए हम इस समीकरण में क्या करेंगे, दोनों पक्षों में पांच से गुणा करना। तो चलिए हम इस समीकरण में पांच से गुणा करते हैं, तो यहाँ कितना है, एक्स प्लस पांच गुणे पांच बराबर एक गुणे पांच। तो यहाँ देखिए पांच से पांच हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा एक्स, यहाँ आ जाएगा पांच करना पांच। इस समीकरण का हल कितना हो बच्चे, एक्स बराबर पांच, इस समीकरण का आपका हल हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लास्ट नंबर ई नंबर सवाल, नंबर जो सवाल है बच्चे है 2x माइनस 2 बराबर 3 माइनस 3, यह आपका एक नंबर सवाल है। तो देखिए अगर यहाँ 3 में से हम 3 करते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा 0, और यहाँ कितना है 2x माइनस 2, तब भी हमारा यहाँ x मान नहीं को। तो हम पहले यहाँ देखिए क्या करना, हमें 2 को हटाना है, 2 घटाया भी गया, 2 से यहाँ गुणा भी है। तो पहले नंबर क्या करेंगे, दोनों समीकरण के दोनों पक्षों में 2 ऐड करेंगे, तो पहले से 2 को खत्म करेंगे। क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में 2 जोड़ने, तो चलिए 2 जोड़ते हैं, 2x माइनस 2 प्लस 2, यहां आ जाएगा 0 प्लस 2, तो 0 प्लस 2 यानी 0 में जब हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहां देखिए माइनस 2 और यहाँ कितना है प्लस 2, यह हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ फिर कितना बचेगा, 2x बराबर 2 हो गया। अभी देखिए हमें x का मान नहीं मिला, अब यहाँ से हमें क्या करना है, इस 2 को भी हटाना है, तो यह गुणा के रूप में इसको हम क्या हटाने के लिए यहाँ क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। तो देखिए 2x बटे 2 बराबर 2 बटे 2, तो देखिए यहां से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ हमारा बचा कितना x, और यहाँ 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1। तो यह हो गया हमारे समीकरण का हल, यानी x बराबर कितना मिल गया 1। तो बच्चों क्या करना था, हमें जो ये समीकरण दिया गया था
इन समीकरण को केवल चार चिन्हों का प्रयोग करके यानी जोड़ घटाना गुणा भाग वाले जो चिन्ह होते हैं उन्हीं साइन का प्रयोग करके हमें क्या करना था, इन सभी समीकरणों को हल करना था। तो इस प्रकार से देखिए इस समीकरण का हल कितना हो गया, एक हो गया। तो क्या करना बच्चों, आपको क्या करना, इसी प्रकार से आपको रैखिक समीकरण को हल करना है। तो हम अब इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे चैप्टर जो हमारा 8.1 है, और समीकरण को हम इसमें जो कुछ भी हमको समीकरण दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है, और नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।